हर खिलाड़ी का एक ही होता है कि आपको हिंदुस्तान के लिए खेलना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। इसी में बहुत गर्व की बात हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के लिए खेले एक दिन जा करके। तो वो ट्रैक पे सब चीज़ें चल रही थी टिल द टाइम जब मेरे साथ वो ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ग्राफ तेज़ी से जितनी तेज़ी से बढ़ा था उतनी तेज़ी से नीचे गिर गया। जब आप प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाते तो आप ये सोच लेते हैं कि मुझे इसी से पैसे भी कमाने हैं, यही मेरा करियर बनाएगा, यही मेरी रोजी रोटी का इंतज़ाम करेगा। तो जब वो आपका सपना टूटता है तो आपको फिर लगता है कि अब मैं करूँगा क्या। ये वो मैच है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जोनल्स हमारे चल रहे थे जहाँ से इंडिया की टीम सेलेक्ट होनी थी इंग्लैंड टूर के लिए। इसमें पहली इनिंग में मेरे 7 विकेट थे और दूसरी इनिंग में 4 विकेट थे जहाँ से जिसकी बेस पे मुझे इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट किया गया। 12 से 15 साल का मेरा प्रोफेशनल करियर रहा। बहुत ही जल्दी मैं स्टेट के लिए सेलेक्ट हो गया और वहाँ से हमारे जोनल्स होते थे, जोनल से इंडिया की टीम बनी। 2 बार मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 में, पाकिस्तान सीरीज़ और इंग्लैंड सीरीज़। और उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारी जो रणजी ट्रॉफी होती थी वहाँ तक मैं पहुँचा। और वो दिन मुझे याद है जब कोच ने आइडेंटिफाई करके मुझे नेशनल स्टेडियम ज्वाइन करवाया और मैंने खेलना शुरू किया। बट होता क्या था कि पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा इनकरेजमेंट थी नहीं, तो वो एक हमारा एक ग्रे एरिया था। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बातें हैं, वो कहेंगे पढ़ाई नहीं आप करते हो, आप खेलने जा रहे हो। बोले वो आप मेरे पे छोड़ो, मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस करूँगा। और नेक्स्ट डे आई सॉ हिम सिटिंग एट माई प्लेस एंड टॉकिंग टू माई फादर एंड सेड कि आप मुझे 6 महीने साल भर का टाइम दो, ये पढ़ता रहेगा साथ साथ, मुझे इसमें कुछ नज़र आ रहा है, अगर आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे तो उसके बाद आपको जो भी कराना हो उससे कराइएगा। तो मैं फादर वॉज काइंड ऑफ कन्विंस्ड एंड ही हैड दैट कन्विंसिंग पावर। तो उस साल तो क्या 6 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो गए, आई वॉज फिट फॉर द स्टेट। ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद एक समय ऐसा लगने लगा कि अब आप सीनियर टीम में जल्दी खेलेंगे। और ऑल ऑफ अ सडन ये लाइफ में मेरे वो जो ट्रेजेडी हुई एक बाइक एक्सीडेंट में, मेरे को सब चीज़ जैसे एकदम से रुक गई। और वो दौर जो था वो बहुत टफ दौर रहा। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे लिए ये जज कर पाना बहुत मुश्किल था कि मैं आगे खेल पाऊँगा कि नहीं खेल पाऊँगा। एंड देन मेड अ कम बैक बट ऑन अ डिफरेंट फील्ड। जो यंगर जनरेशन है वो बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। जब मैं उनके साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन वापस आ गया और मुझे ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि मैंने कुछ लाइफ में पीछे मिस किया है। मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी पहचान बनी है वो क्रिकेट ही ने मुझे दी है और मैं आज भी पहचाना जाता हूँ एज फॉर्मर क्रिकेटर। मैंने बहुत सारे काम बीच में किए, सोशली भी एक्टिव रहा, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ आपको लोग पहचानते हैं, आपको रिकग्नाइज करते हैं एक अलग किस्म के फील्ड में। बट आज भी जब कोई दूसरे नामों से मुझे बुलाता है तो मुझे, मैं उनको हमेशा से ये बोलता हूँ कि आप मुझे खिलाड़ी के रूप में ही
मुझसे बात किया करें। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज एज अ क्रिकेटर ओनली एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट।